Because student, today we are going to start our new chapter. Our new chapter is more features of Microsoft Word. Microsoft Word आपने पहले फोर्थ क्लास में किया है, जैसे थर्ड क्लास में किया है, उससे पहले चैप्टर्स में किया है, चैप्टर फाइव से पहले. तो क्या था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जितना आपने किया है, मोर फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उससे ज़्यादा कुछ फीचर्स आप चैप्टर फाइव के अंदर सीखेंगे अभी. तो कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं जो हम आज करने वाले हैं, हमारा है जैसे अपने डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज करना. ऑर्गेनाइज जैसे आप अपने घर में अपने सामान को, अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, एक जगह पे जैसे ये चीज़ रखनी है, एक जगह ये रखनी है, तो इस नॉन एज ऑर्गेनाइज. तो अपने डॉक्यूमेंट को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना, और अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उस फाइल को हम डॉक्यूमेंट बुलाते हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल क्रिएट करना, उसके अंदर डाटा एंटर करना, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर इंसर्ट करना, क्लिप आर्ट कैसे यूज करते हैं, शेप्स कैसे यूज करना है डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है, पिक्चर अगर हमने इंसर्ट किया है तो उसका साइज कैसे चेंज करना है, क्लिप आर्ट की जो पिक्चर है उसका शेप का, इन सब का साइज कैसे चेंज करना है, ठीक है. और एड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू द डॉक्यूमेंट विद द हेडर एंड फूटर. हेडर एंड फूटर यूज करना. एंड क्या है हेडर फूटर? चेंज द पेज ओरिएंटेशन. तो ये सब हम पॉइंट्स पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. नाउ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैज़ मैनी यूजफुल फीचर्स. जो आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के और ज़्यादा फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. पहले आपने पढ़ा है कि कैसे हम टेक्स्ट एंटर करते हैं वर्ड के अंदर, कैसे हम टाइप करते हैं, देन फॉर्मेटिंग किया है हमने इस टेक्स्ट को, ठीक है. तो ये बोल रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इस तरह से बहुत सारे फीचर्स हैं. वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट सम ऑफ द फीचर्स. पहले हमने कुछ फीचर्स पढ़े हैं, सच एज जो मैंने अभी आपको बताया, इंसर्टिंग टेक्स्ट. हमने डॉक्यूमेंट एक ओपन किया, देन हमने उसके अंदर टेक्स्ट लिखना शुरू किया, एडिटिंग उसके अंदर चेंजिंग करनी है टेक्स्ट के अंदर, हमने वो किया, देन फॉर्मेटिंग. फॉर्मेटिंग मीन्स हमने कलर डालना है, किसी को साइज बड़ा देना है किसी टेक्स्ट को, ठीक है, किसी को छोटा देना है, किसी को सुपर स्क्रिप्ट देना है, कलर वगैरह सारी चीज़ें हमारी फॉर्मेटिंग के अंदर आती है. तो अभी तक हमने इतना पढ़ा है. नाउ देर आर अदर फीचर्स टू. और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर यूज़ करते हैं, विच कैन यूज टू मेक अवर डॉक्यूमेंट लुक वेल फॉर्मेटेड एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड. कह रहे हैं कि जो आपका डॉक्यूमेंट है, बहुत सारे फीचर्स यूज़ करने के बाद होता है क्या है? आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेल अरेंज हो जाता है, वेल फॉर्मेट हो जाता है एंड ऑर्गेनाइज हो जाता है. जैसे अभी क्या है, आपने एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, आपने मान लो अपने कपड़े वॉश किए हैं, कहीं पे भी डाल दिए, ठीक है, तो क्या हुआ, आपने काम कर दिया वॉश करने का, पर एक ऑर्गेनाइज करना घर को, आपके सारे सामान को, तो उससे क्या होगा, वो अच्छा लगेगा. सेम ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट के अंदर जो आप डॉक्यूमेंट यानी कि टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको लिखने का एक मैनर, ठीक है, उसको शो करने का कि कौन सी चीज़ किस तरह से शो आनी चाहिए, कहाँ रखनी चाहिए, तो ये सब वेल अरेंज हो जाता है, वेल फॉर्मेट हो जाता है फीचर्स यूज करने के बाद. नाउ जो फीचर्स की हम बात कर रहे हैं, तो आज जो बात कर रहे हैं हम टेबल की बात करेंगे. व्हाट इज अ टेबल? टेबल कंसिस्ट ऑफ सेल्स दैट आर अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स. जो टेबल है वो अरेंज होती है रो एंड कॉलम्स में, यानी कि सेल्स होते हैं टेबल के अंदर. एक जो यहाँ आपके सामने एग्जाम्पल दिखा रखा है वो क्या है, एक टेबल क्रिएट कर रखी है, ठीक है, कॉलम ए सेल, यानी कि ये वाला जो है येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इस नोन एज अ कॉलम, जो इस तरह से खड़ा है, वर्टिकल है. नाउ यू जो इस फॉर्म के अंदर है, जो ग्रीन कलर के अंदर है, दिस इज द रो. इसको हम बोलते हैं जो हॉरिजेंटल इस तरह से ये लाइन है, इसको बोलते हैं रो. और एक पार्टिकुलर, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्टिकुलर, ये इतना सा बॉक्स रेक्टेंगुलर, इसको हम बोलते हैं सेल, ठीक है. तो यानी कि बहुत सारे सेल हैं, जैसे वन है, टू, थ्री, फोर, तो ये काफ़ी सारे सेल्स से बनी हुई होती है एक टेबल. यही लिखा हुआ है, ए टेबल इज ए बॉक्स, सॉरी, ए सेल इज ए बॉक्स. जैसे ये एक बॉक्स है छोटा सा, ठीक है, इसको हम सेल बुलाते हैं. तो ए सेल इज ए बॉक्स दैट इज फॉर्म व्हेन ए रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट. जब एक रो कॉलम बनता है तो वहाँ एक सेल क्रिएट हो जाता है. तो हम एक टेबल को क्या बोल सकते हैं, ग्रिड ऑफ सेल्स, यानी कि बहुत सारे बॉक्स जहाँ पे बने हुए हैं. नाउ टेबल हेल्प अस ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट टेक्स्ट एंड नंबर्स इन द डॉक्यूमेंट. हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं, यानी कि ए टू जेड आप अल्फाबेट, नंबर्स, एंड अकेले आप नंबर्स भी डाल सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर,
नाउ इट इज ऑफन इजियर टू रीड इंफॉर्मेशन द टेबल देन ए पैराग्राफ। अब आपने एक पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन डालनी थी आपको टेबल के अंदर, इस तरह से आपने पैराग्राफ में इस तरह से करके डाल दिया, यानी कि आपके मार्क्स मान लो आपने शो करने हैं किसी को, सारे जितने भी आपने स्टडी किए, जैसे आपने फर्स्ट क्लास किया है, सेकेंड क्लास किया है, थर्ड क्लास किया है, कहाँ से किया है, स्कूल नेम, कितनी परसेंटेज आपको मिली, एक आप उसको टेबल के अंदर इस सब डाटा को दिखाओ, एक पैराग्राफ के अंदर दिखाओ, तो कौन सा ज़्यादा ईजी रहेगा पढ़ने के लिए? टेबल वाला, क्योंकि उसमें डाटा अच्छे से अरेंज हो जाएगा, लाइक दिस, आप यहाँ डालें थर्ड क्लास, ठीक है, फिर सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास, पोजिशन कितनी, मार्क्स कितने, यानी कि यूँ डाटा अरेंज करना और अरेंज किया हुआ डाटा को पढ़ना ज़्यादा ईजी होता है। नाउ कैन एनीथिंग टेक्स्ट, यू कैन पुट एनीथिंग टेक्स्ट नंबर पिक्चर्स अनदर टेबल इन टू ए टेबल। आप टेबल के अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं, नंबर्स, पिक्चर्स, और दूसरी टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं एक टेबल के अंदर ही। तो ये सारे फीचर्स हैं जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। ए टेबल इंक्लूड वन और मोर सेल्स, एक टेबल के अंदर हम एक और एक से ज़्यादा सेल भी हम ऐड कर सकते हैं, लाइक दिस। इसने डाटा अरेंज करके दिखाया आपको, जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 इन्होंने लिखे, आइटम्स लिखे, क्वालिटी लिखी, रेट लिखा, टोटल अमाउंट लिखा। तो इस डाटा को नॉर्मल आप लिखते हैं तो वो इतना ज़्यादा पढ़ने में यूजफुल नहीं होता जितना इस टेबल के अंदर है। नाउ इंसर्टिंग ए टेबल, नेक्स्ट टॉपिक है अभी तक कि टेबल है क्या, कौन सा कॉलम होता है, कौन सा रो होता है, सेल क्या होता है, अभी तक हमने ये इन्फॉर्मेशन पढ़ी। नाउ इंसर्टिंग ए टेबल, एक टेबल को इंसर्ट करना, तो बहुत सारे मेथड्स से हम एक टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। लेट्स सी, we can create a blank table and let put text into it। हम एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद उसके अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। while creating a table, जब हम एक टेबल को बना रहे हैं, we can specify number of rows and columns in it। तो हम उसके अंदर स्पेसिफाई, यानी कि पहले डालेंगे कितने कितने रो एंड कितने कॉलम्स आपको चाहिए हैं। सी द स्टेप्स, स्टेप नंबर 1, इन योर डॉक्यूमेंट प्लेस द कर्सर वेयर यू वॉन्ट टू अपीयर द टेबल, और यू कैन वेर यू वॉन्ट टू इंसर्ट टेबल, जहाँ पे आप अपने टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, सबसे पहले आप वहाँ पे अपना कर्सर छोड़ना, ठीक है। देन सेलेक्ट द इंसर्ट टैब, फिर आप इंसर्ट टैब पे जाएंगे। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद आपको कर्सर दिखाई देगा, ठीक है। द कर्सर इज ऑल्सो कॉल्ड द इंसर्शन पॉइंट, ये एक नंबर का क्वेश्चन आप याद रखना कि कर्सर का दूसरा नाम क्या है, हम इंसर्शन पॉइंट भी बुला सकते हैं, जो एक पहले वाली वीडियोज में मैंने आपको बता रखा है कि कर्सर क्या है, जो ब्लिंक होते हुए एक लाइन आपको दिखाई देती है, इज नोन एज अ कर्सर, जहाँ पे हम लिख सकते हैं, जहाँ कर्सर हो वहाँ से हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, तो उसको हम इंसर्शन पॉइंट भी बोलते हैं। नाउ फिर आपको क्या करना है, इंसर्ट टैब पे जाके टेबल्स ग्रुप में टेबल कमांड मिलेगी, उस पर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आपको ये जो यहाँ आपकी पिक्चर्स में शो हो रखा है, ये इस तरह से आपको पिक्चर शो होगी। यहाँ पे देखो, एक ग्रिड ऑफ सेल्स है, यानी कि बहुत सारे सेल्स का जो एक समूह आप बोल सकते हैं, तो जितना आपको सिलेक्ट करना है आप उतनी ही ग्रीड के ऊपर सिलेक्शन करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कितने बाय कितने की टेबल, यानी कितने रोज एंड कितने कॉलम्स, यानी अब आपको क्या करना है, माउस पॉइंटर ओवर द ग्रीड, यानी कि जितना आपको चाहिए उतना आप इस तरह से मूव करो अपना माउस को, ठीक है। देन हाईलाइट द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज यू वॉन्ट इन टेबल, आपको हाईलाइट हो जाएंगे, यानी कि अलग कलर में आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये देखो, पीछे ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, इसने यहाँ तक किया तो इसका कलर चेंज हो रहा है, तो हाईलाइट हो जाएंगे आपके जो जितने रोज एंड जितने कॉलम्स आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, 6 columns and 6 rows और 2 columns by 6 rows, जितने आपको चाहिए आप उतना सिलेक्शन करके लेके आएंगे, तो हाईलाइट होता जाएगा। पीछे प्रीव्यू आपको दिखाई देगा, लाइव प्रीव्यू, आप जब क्लिक कर देंगे तब आपकी जो टेबल है वो अपीयर होगी डॉक्यूमेंट के अंदर, इंसर्ट हो जाएगी डॉक्यूमेंट के अंदर। नाउ सी, अब देखो, एक टेबल क्रिएट करने के लिए क्या करना है, मैंने वर्ड आपके सामने ओपन किया, इंसर्ट टैब पे गए, इंसर्ट टैब पे जाने के बाद उसने कहा था टेबल्स ग्रुप पे जाना है आपको। टेबल्स ग्रुप पे जाने के बाद टेबल कमांड के ऊपर, टेबल कमांड के ऊपर आपने क्लिक किया, सेम ऐसे ही पिक्चर थी आपकी बुक के अंदर, ठीक है। अब इस तरह से हम टेबल क्रिएट करते हैं, ये देखो पीछे लाइव प्रीव्यू चल रहा है, जितना सिलेक्शन मैं कर रही हूँ उतना ही सिलेक्शन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया, ठीक है। तो जब मैं क्लिक करूंगी, पर इंसर्ट तब होगा, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है, ये क्लिक किया, इंसर्ट हो गया मेरी टेबल। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नाउ एंटर टेक्स्ट इन ए टेबल,
ये था आपका कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, पहले वाला टॉपिक। अब है सेकंड, वी कैन आल्सो ड्रॉ टेबल्स मैनुअली इन वर्ड डॉक्यूमेंट। ओके, सेकंड मेथड हम देखते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल किस तरह से क्रिएट हम कर सकते हैं। अब क्या हम इंसर्ट पे आप जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद टेबल कमांड पे फिर से जाएंगे, ड्रॉ टेबल एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे, ड्रॉ टेबल पे जाएंगे तो मैनुअली आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस। पेंसिल मिलेगी आपको, जितनी टेबल आपने क्रिएट करना है आपने उतना टेबल को छोड़ा। अब कितने कॉलम्स चाहिए आप पेंसिल से खुद बना सकते हैं, जैसे अभी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कितने कॉलम्स आपको चाहिए, उतने कॉलम्स यहाँ पे बनाओ। रो चाहिए हैं, रो बनाओ, ठीक है। इस तरह से आप पेंसिल से ड्रैग करते जाएंगे, बना रही हूँ मैं, ठीक है। तो जितने आपको चाहिए आप उतने कॉलम्स एंड रोज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे दो मेथड जिससे हम अपनी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ एंटर टेक्स्ट इन ए टेबल, टेबल के अंदर अब लिखना है हमें टेक्स्ट को, तो हम कैसे लिखेंगे। आफ्टर इंसर्टिंग ए टेबल, टेबल इंसर्ट करने के बाद वी कैन नाउ प्लेस द कर्सर इन एनी सेल ऑफ द टेबल टू एंटर टेक्स्ट। तो आप क्या करेंगे, जहाँ पे आपका कर्सर है वहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो अपना कर्सर वहाँ छोड़ो जहाँ टेबल में आपको एंटर करना है टेक्स्ट को, लिखना है टेक्स्ट को। बाय डिफॉल्ट अगर आप नहीं करते तो अपने आप जो कर्सर है आपकी टेबल के अंदर वो फर्स्ट सेल के अंदर मिलता है, यानी कि बिल्कुल फर्स्ट सेल पे मिलेगा आपको जो आप टेबल इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अब हमने टेक्स्ट लिखना है तो हम कैसे करेंगे, ये मैंने एक टेबल क्रिएट की है, क्लिक इनसाइड ए सेल, तो उस सेल के अंदर आप क्लिक कर देंगे जहाँ आपको लिखना है। टाइप द टेक्स्ट यू वांट टू एंटर इनटू ए सेल, आप जो टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो आप वहाँ पे टाइप करें। देन टू कीज हैं आप, जैसे एंटर की है या एरो कीज है राइट एरो की, वो प्रेस करते जाएं, ठीक है। टैब की यूज करेंगे तो आप नेक्स्ट 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 ऐसे सारे सेल में जाते जाएंगे, जहाँ जहाँ आपको टेक्स्ट लिखना है आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ इन्होंने बता रखा है टू मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर, एक सेल से दूसरी सेल के अंदर जाने के लिए यूज अ टैब की और एरो कीज। आप टैब की यूज कर सकते हैं तो भी आप नेक्स्ट नेक्स्ट सेल के अंदर चले जाएंगे, एरो की यूज करेंगे तो भी आप नेक्स्ट सेल में चले जाएंगे। नाउ प्रेसिंग द टैब की और राइट एरो की वंस यू कैन मूव द नेक्स्ट सेल इन द रो, आप रो के नेक्स्ट सेल में चले जाएंगे जहां आप टैब की को और राइट एरो की को यूज करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अदर एरो कीज कैन यूज टू नेविगेट बिटवीन सेल्स इन ए टेबल, हाँ अप डाउन कीज के साथ, जैसे आपकी जो एरो कीज हैं वो अप डाउन लेफ्ट राइट, तो जहां पे भी जाना है आप एरो कीज की हेल्प से जा सकते हैं। नाउ सी द प्रैक्टिकल, किस तरह से हम टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं। अब देखो ये कर्सर है यहाँ पे, मुझे बिल्कुल फर्स्ट सेल के अंदर लिखना है, तो यहाँ पे मुझे लिखना है तो यहाँ मैंने अपना कर्सर छोड़ दिया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी जैसे सीरियल नंबर, नेक्स्ट में मैंने टैब दबाया, मैंने यहाँ लिखा नेम, देन मैंने यहाँ पे लिखा क्लास, ठीक है। तो इस तरह से हम जहाँ मैंने डाटा एंटर करना है वहाँ मैं अपना कर्सर छोड़ती जाऊँगी। राइट एरो की से यहाँ आप देख रहे हैं, फिर अब मैं लेफ्ट एरो की यूज़ कर रही हूँ, ये डाउन एरो की राइट एरो की। तो इस तरह से आप कीज यूज़ करेंगे जब आपको टेबल के अंदर सेल्स में मूव होना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, हमने सीखा भी टेबल को क्रिएट करना, उसके अंदर डाटा किस तरह से हम पुट करते हैं। नाउ सी द सेकंड मेथड, चेंजिंग डिफॉल्ट टेबल स्टाइल्स। ओके, हमने अभी टेबल बना लिया, तो टेबल हमने बनाया तो बहुत सिंपल सा टेबल आपका क्रिएट हुआ है। वी कैन क्विकली मेक ए टेबल लुक कलरफुल, आप जैसे आप टेक्स्ट के अंदर कलर्स डालते थे, साइज बड़ा करते थे, बोल्ड कर देते थे, इटैलिक कर देते थे, इस तरह की सारी जब फॉर्मेटिंग करते थे आप टेबल के ऊपर भी सेम कर सकते हो, तो इसको हम बोलते हैं टेबल स्टाइल। तो वर्ड के अंदर एक फीचर्स है आपको जो मिलेगा टेबल स्टाइल, अपने आप जो जैसे कुछ डिजाइनिंग कर रखी है टेबल्स की, आप क्या करेंगे अपनी टेबल बनाएंगे और डिजाइन सेट कर देंगे बस, तो वही डिजाइन आपकी टेबल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो टेबल स्टाइल इज ए सेट ऑफ प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग ऑप्शंस फॉर बॉर्डर शेडिंग अलाइनमेंट एंड फॉन्ट दैट वी कैन अप्लाई टू द टेबल। अभी जैसे मैंने बोला आप अपनी टेबल क्रिएट करें उसके ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, रेडीमेड यानी कि पहले बनाई हुई फॉर्मेटिंग है, उसमें बॉर्डर्स मिलेंगे, शेडिंग कलर्स मिलेंगे, अलाइनमेंट कहाँ लेफ्ट में लिखना है राइट में लिखना है, इस तरह के फॉन्ट्स आपको डिफरेंट डिफरेंट उसके स्टाइल के मिलेंगे। तो जो भी आपको टेबल स्टाइल पसंद आए वो आप अपना टेबल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेप्स क्या रहेंगे, आपको क्या करना है, क्लिक एनीवेयर इन टेबल, आप टेबल में कहीं पे भी क्लिक कर दें, देन आपको एक डिज़ाइन टैब पहले शो नहीं होगी,
जहाँ पे टैब्स हैं आपकी सारी, होम टैब, इंसर्ट टैब, उसके बाद में डिज़ाइन टैब भी आपको शो होगी। उसमें क्या करना है, फिर आपको क्लिक करना है टेबल स्टाइल के ऊपर, एक ऑप्शन मिलेगा आपको टेबल स्टाइल टेबल ग्रुप में, वहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो बटन के ऊपर, ये रहा यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे डिजाइन आपके सामने आएंगे, ठीक है। लाइक दिस, ये पेज ऐसे डिजाइन का है, इस तरह के डिजाइन आपको दिखाई देंगे, तो जो कलर जैसे आप देखेंगे कि कौन सा डिजाइन मुझे पसंद है, आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके टेबल पे वही डिजाइन अप्लाई हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द प्रैक्टिकल ऑफ दिस टॉपिक। मैंने मान लो एक टेबल क्रिएट कर रखी है, ये मैंने टेबल एक क्रिएट की, ठीक है। अब इस टेबल के ऊपर मैं कर्सर छोड़ दूंगी, जहां पे भी मुझे अपना जिस टेबल के ऊपर मैंने अपना टेबल स्टाइल पुट करना है, तो यहाँ देखें मैंने जैसे टेबल के ऊपर कर्सर छोड़ा, यहाँ डिजाइन टैब आप देख सकते हैं, इंसर्ट यहाँ पे आ गई है, हाईलाइट हो गई है। नाउ ये है आपकी टेबल स्टाइल, ठीक है। टेबल स्टाइल के ऊपर ये आपको कुछ स्टाइल्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और ज़्यादा देखने हैं तो आप यहाँ एरो बटन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कितने सारे स्टाइल्स हैं। अब जिस स्टाइल के ऊपर जाएंगे वही आपका स्टाइल आपकी पीछे टेबल के ऊपर अप्लाई हो रहा है। आपका डाटा देखो सेम है, रोल नंबर जो लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, सब सेम रहेगा, सिर्फ जो फॉर्मेटिंग है वो आपकी इंसर्ट हो जाएगी उस टेबल के ऊपर। जैसे मैं ये कर रही हूँ, अब देखो डाटा तो मैंने लिखा हुआ था, सीरियल नंबर, नेम, सेक्शन, रोल नंबर, डाटा सेम रहेगा, जो फॉर्मेट है टेबल का, यानी कि कलरफुल हो जाएगी आपकी टेबल, ठीक है। तो ये था आपका टेबल इंसर्ट करना वर्ड के अंदर, यहाँ तक आपका।